नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शुक्ला आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ए टू जेड बैंकिंग इन्फॉर्मेशन पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे कि आप देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक यानी भारतीय स्टेट बैंक से KCC यानी किसान क्रेडिट कार्ड का लोन कैसे ले सकते हैं, SBI से लोन प्राप्त करने का क्या प्रोसेस है, SBI से KCC लोन आपको कितने प्रतिशत की सालाना ब्याज दर पर मिल पाता है, साथ ही SBI में KCC बनवाने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं, SBI में KCC बनवाने में कितना टाइम लगता है। दोस्तों, सब कुछ इस वीडियो में मैं आप लोगों को विस्तार से बताने वाला हूं कि KCC यानी किसान क्रेडिट कार्ड का क्या प्रोसेस है, कितने दिन में आपको ये लोन मिल सकता है, इसकी ब्याज दर आपसे SBI कितना चार्ज करता है, सब कुछ विस्तार से बताने वाला हूं। बस आप लोगों से मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल ए टू जेड बैंकिंग इन्फॉर्मेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन अवश्य प्रेस कर लीजिएगा ताकि जैसे हम इस तरह का कोई भी वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि SBI यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया देश के सभी किसानों को ₹3 लाख तक का लोन KCC के माध्यम से सिर्फ 4% की सालाना ब्याज दर पर उपलब्ध कराता है। दोस्तों, बात करें SBI से KCC लोन प्राप्त करने की प्रोसेस की, तो दोस्तों हम आप लोगों को बताना चाहते हैं, आपको अपने खेत की खतौनी या इंतखाब या जमाबंदी जो भी आप कहते हो, वो आपको प्रमाणित प्रति जो तहसील से निकलती है वो आपको ले लेनी है। आपके पास जितनी भी खेती हो उसकी जो भी इंतखाबें हो वो आपको निकलवा लेनी है। उसके साथ में आपको अपने खेत का खसरा बनवा लेना है जो कि लेखपाल के माध्यम से बनता है, जिसमें फसल चक्र लिखा होता है कि आप अपने खेत में कौन कौन सी फसलें बोते हैं, वो खसरा आपको ले लेना है। उसके साथ में आपको शेयर सर्टिफिकेट अपनी जमीन का बनवा लेना है, जिसे हिस्सा प्रमाण पत्र कहते हैं, और उसके साथ में आपको अपने आधार कार्ड की या पैन कार्ड की फोटोकॉपी भी ले लेनी है। अगर आपके पास में पैन कार्ड है तो पैन कार्ड भी ले लेना है, वहीं आधार कार्ड तो मस्ट है, आधार कार्ड तो होना ही चाहिए। पैन कार्ड नहीं है तो कोई बात नहीं है, ये डॉक्यूमेंट ले जाकर के आपको जो भी आपके नजदीक में भारतीय स्टेट बैंक की शाखा हो वहां पर जाना है, वहां के जो भी लोन अधिकारी हो या फील्ड ऑफिसर उनके पास आपको जाना है, आपको अपने डॉक्यूमेंट उन्हें देना है और उनसे बोलना है कि महोदय, हम फला गांव में रहते हैं, हम KCC लोन लेना चाहते हैं। तो सबसे पहले वो आपकी सिविल चेक करेंगे, अगर आपका सिविल स्कोर 675 से ऊपर आता है तब वो आगे की कार्रवाई करेंगे। अगर आपका सिविल स्कोर 675 से नीचे आ जाता है, यानी आपकी सिविल खराब होती है, तो वहीं से आपकी फाइल को रिजेक्ट कर देंगे और आपको डॉक्यूमेंट दे देंगे, आपको वापस कर देंगे कि हम आपको KCC लोन नहीं दे पाएंगे। तो दोस्तों, अगर आपकी सिविल सही आती है तब वो बैंक के उस पैनल के जो भी वकील होंगे, यानी भारतीय स्टेट बैंक के जो भी वकील होंगे, उनके पास में वो आपके डॉक्यूमेंट भेज देंगे। आपको एक पासपोर्ट साइज का फोटो देना होगा, वो 12 साला बनवाने के लिए उन वकील के पास आपके डॉक्यूमेंट भेज देंगे, जिसमें आपका एक एफिडेविट भी बनेगा, तो उसमें आपकी वो एक फोटो लगा करके उसे भी प्रमाणित करेंगे। वो सभी डॉक्यूमेंट 4 से 5 दिनों में बैंक के पास वापिस आ जाएंगे 12 साला बन करके। दोस्तों, इसके पैसे की अगर हम बात करें, इसमें जो खर्चा आता है ये ₹1000 से लेकर के ₹2000 के बीच में होता है। तो जो भी खर्चा आएगा वो जब आपकी KCC हो जाएगी तो उसी खाते से भारतीय स्टेट बैंक डेबिट करके वकील साहब के अकाउंट में क्रेडिट कर देगा, यानी आपको नगद में पैसा नहीं देना है। जो भी इसका खर्चा आएगा वो आपके KCC खाते से डेबिट करेंगे और वकील साहब का जो अकाउंट है उसमें क्रेडिट कर देंगे या फिर ट्रांसफर कर देंगे। तो दोस्तों, आपका जब 12 साला बन करके आ जाएगा 4 से 5 दिनों में, आपका एक मोबाइल नंबर भी फील्ड ऑफिसर अपनी डायरी में या फिर डॉक्यूमेंट में नोट कर लेंगे। उसके बाद जैसे ही आपका 12 साला बन करके बैंक आ जाएगा तो आपको फोन के माध्यम से सूचना देंगे कि आपके डॉक्यूमेंट आ गए हैं, अब आ जाइए, आप फाइल साइन कर दीजिए। फिर आप वहां पर जाएंगे, KCC लोन की जो भी फाइल होगी उस पर आप साइन करेंगे। उसके साथ में आपको 3 पासपोर्ट साइज के फोटो और ले जाने होंगे और उसके साथ में आपका सेविंग अकाउंट उस बैंक में होना आवश्यक है। अगर नहीं है तो जब आप डॉक्यूमेंट लेकर के गए हैं तभी आपको अपना सेविंग अकाउंट ओपन कराना होगा, क्योंकि एक कस्टमर आईडी होती है जो कि जब किसी भी किसान को लोन दिया जाता है तो उसकी कस्टमर आईडी यानी सेविंग अकाउंट होना आवश्यक है, उसी कस्टमर आईडी से लोन अकाउंट ओपन किया जाता है। तो आपको अगर आपके पास में पहले से सेविंग अकाउंट है तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं है तो ओपन करना पड़ेगा। तो अगर पहले से है तो आपको वो पासबुक भी ले जानी होगी सेविंग अकाउंट की। और उसके बाद दोस्तों, हम आप लोगों को बताना चाहते हैं, अगर आपकी KCC की लिमिट ₹1,60,000 तक है तब आपको कोई भी गारंटर नहीं देना है। लेकिन दोस्तों, अगर आपकी KCC की लिमिट ₹1,60,000 से अधिक है तब आपको भारतीय स्टेट बैंक को 2 जमानतदार भी देने होंगे जो कि आपकी KCC लोन की फाइल पर साइन करेंगे, और उनका भी एक एक फोटो लगेगा, उनके आधार कार्ड की फोटोकॉपी लगेगी, उनका सेविंग अकाउंट या KCC जो भी अकाउंट है उस बैंक में उसका अकाउंट नंबर भी नोट किया जाएगा। दोस्तों, अगर आपकी लिमिट 1,60,000 से कम है तब आपको जमानतदार देने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर आपकी लिमिट 1,60,000 से अधिक है तब आपको 2 जमानतदार भी देने होंगे। उसके बाद दोस्तों, जब आपकी फाइल कंप्लीट हो जाएगी, यानी अगर जमानतदार की आवश्यकता है तो दोस्तों जमानतदार के भी साइन हो गए, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आपका साइन फाइल में हो गया है, तब दोस्तों 1 से 2 दिन में वो आपकी फाइल को भरेंगे जो भी फील्ड अधिकारी है, और उसके बाद वो इंस्पेक्शन करने आपके गांव आएंगे। लोन अकाउंट ओपन करने से पहले वो इंस्पेक्शन करेंगे,
कि आपकी जमीन गांव में है नहीं, आप गांव में रहते हैं नहीं रहते हैं, आपने जो भी एड्रेस प्रूफ दिया है सब सही दिया है नहीं दिया है। इसकी जांच करने के उपरांत वो बैंक वापस जाएंगे और आपकी केसीसी लोन का अकाउंट ओपन कर देंगे। दोस्तों जब आपका केसीसी लोन का अकाउंट ओपन हो जाएगा उसके बाद में बैंक आपको एक केसीसी की पासबुक और एक एटीएम कार्ड जो कि आपको फ्री में दिया जाता है जारी कर देंगे और आपकी केसीसी की जो भी लिमिट तैयार होगी उस लिमिट भर का पैसा आप कभी भी निकाल सकते हैं। दोस्तों यह जो केसीसी का लोन होगा ये 5 वर्षों के लिए किया जाएगा, इसमें 5 साल के लिए अलग अलग लिमिट निर्धारित की जाएंगी। अब मान लीजिए अगर आपकी पहले साल की लिमिट 1 लाख रुपए होगी तो 5वें साल की आपकी लिमिट रुपए 1,50,000 की होगी, यानी 10% पर ईयर ये बढ़ता जाएगा। पहले साल 1 लाख है तो उसका 10% अगले साल बढ़ेगा तो 1,10,000 हो जाएगा। इसी तरह करके 5 साल में आपकी लिमिट 1,50,000 रुपए हो जाएगी। दोस्तों मैंने ब्याज दर आपको पहले ही बता दिया है, केसीसी में जो ब्याज दर है वो 7% वार्षिक है। अगर आप 1 वर्ष के अंदर अपने खाते में पैसा पूरा जमा कर देते हैं तब दोस्तों आपको सरकार के द्वारा 3% की सब्सिडी मिल जाती है केसीसी खाते में, यानी तब आपको कुल 4% ही ब्याज वार्षिक देना होता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर मैं एक बात आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि अन्य बैंकों की अपेक्षा जैसे ग्रामीण बैंक वगैरह है तो सिर्फ अगर आप ब्याज जमा कर देते हैं तो आपके खाते का पलटा कर देते हैं यानी रिन्यू कर देते हैं। आप सिर्फ ब्याज दर का पैसा ग्रामीण बैंक में लेकर चले जाते हैं तो आपके खाते को पलटा कर देते हैं, तब आपको सब्सिडी का लाभ मिल जाता है। लेकिन दोस्तों SBI आपको यह फैसिलिटी नहीं देता है। भारतीय स्टेट बैंक कभी भी सिर्फ ब्याज दर का पैसा डालकर आपके खाते का पलटा नहीं करता है। आपको साल में एक बार ब्याज समेत पूरा पैसा जमा करना होगा तभी आपके खाते का पलटा होगा, और जब आपके खाते का पलटा होगा तभी आपको 3% की सब्सिडी मिल पाएगी, अदरवाइज आपको 7% ब्याज वार्षिक देना होता है। तो दोस्तों SBI आपको यह फैसिलिटी नहीं देता है, लेकिन SBI आपको और भी कई सारी फैसिलिटी देता है जो कि अन्य बैंक नहीं देते हैं। लेकिन SBI के कुछ चार्जेस भी अधिक हैं। ग्रामीण बैंकों की अगर हम बात करें तो ग्रामीण बैंक में कुछ चार्जेस कम है, वहीं SBI की अगर हम बात करें तो SBI में कुछ चार्जेस भी ज़्यादा है, लेकिन SBI आपको फैसिलिटी भी ज़्यादा देता है। तो दोस्तों ये रहा पूरा प्रोसेस। अगर इस प्रोसेस को आप अपनाएंगे तो मेरी समझ से लगभग 12 से 15 दिन का समय लगता है केसीसी लोन मिलने में, और आपको 12 से 15 दिनों में केसीसी लोन मिल जाता है। तो दोस्तों आपको बैंक ने एक पासबुक और एक ATM कार्ड जारी करके दे देता है। अब आप अपनी लिमिट भर का पैसा, मान लीजिए आपकी फर्स्ट ईयर लिमिट 1 लाख रुपए है, तो आप अपनी लिमिट भर का पैसा चाहे आप किसी ATM के माध्यम से या फिर आप बैंक जाकर के पासबुक के माध्यम से कैश विड्रॉल कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर जो केसीसी की नियम शर्तें हैं वो ये है कि आपको साल में एक बार आपने जो भी पैसा लिया है उसे ब्याज समेत पूरा 1 साल के अंदर जमा करना है। जब आप उसे पूरा वापस जमा कर देंगे तो आपको 3% की सब्सिडी भी मार्च के महीने में आती है, वो हर वर्ष मार्च के महीने में आ जाया करेगी और आपके खाते में क्रेडिट हो जाएगी। तो दोस्तों तब आपको कुल 4% ब्याज ही वार्षिक देना होगा। दोस्तों आशा करते हैं आप लोगों को पूरी जानकारी समझ में आ गई होगी। मैंने आपको बता दिया है कि आप SBI के माध्यम से किस तरह से KCC लोन ले सकते हैं, ब्याज दर क्या होती है, रिपेमेंट टाइम भी मैंने बता दिया है आपको, डॉक्यूमेंट भी मैंने आपको बता दिया क्या क्या लगते हैं, पूरी जानकारी दे दी है। फिर भी अगर आप कोई भी सवाल छूट गया है, कोई क्वेरी है आपके मन में, तो आप लोग हमें कमेंट कर सकते हैं या फिर आप लोग हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करके वहां भी DM कर सकते हैं, या फिर अगर आप लोग हमसे फोन कॉल के माध्यम से बात करना चाहते हैं तो कॉलमी ऐप के माध्यम से आप लोग हमसे कॉल भी कर सकते हैं। दोस्तों आशा करते हैं जानकारी पसंद आई होगी। अगर जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक करिएगा, साथ ही साथ चैनल पर नए हैं, चलो पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।